जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज हर भारतवासी के लिए दिवाली का दिन है। 5 अगस्त हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा निर्णय जो लिया गया है उसकी वे सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शहीद परिवारों की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। इससे जम्मू कश्मीर का विकास होगा और बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा की दृष्टि से भी काम होंगे। कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने पर जीएल बत्रा ने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है तथा जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं वे अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्र हित में इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। वहीं कारगिल शहीद कैप्टन सौरव कालिया के पिता एनके कालिया ने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसका हर हिंदुस्तानी को 70 साल से इंतजार था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सरकार ने इस फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होगी। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को केवल विरोध करना आता है। जो लोग कश्मीर को लेकर अपनी राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वे बंद हो जाएंगी और भारत सरकार को जो लूट रहे थे अब उनकी आमदनी भी बंद होगी, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं जो कि नई बात नहीं है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 6वें, 7वें व 8वें नवरात्रे को मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों के 5वें दिन भी काफी लाइनें लोगों की देखने को मिली। SDM अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में सावन महीने के नवरात्रों में बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी से श्रद्धालुओं की लगातार संख्या को ध्यान में रखते हुए अब मंदिर अगले दिनों में 24 घंटे तक खुला रहेगा। इन 3 दिनों में सिर्फ मंदिर आरती के लिए ही बंद रहेगा और मंदिर प्रशासन ने व्रत वाले श्रद्धालुओं के लिए फलाहार की व्यवस्था लंगर में की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की सारी व्यवस्था हो चुकी है जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंचकुला से आए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, इससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है और ज्वाला माँ के खुले दर्शन हो रहे हैं। पवन कुमार बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पंचकूला से आया हूँ और यहाँ पे माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और माता रानी के खुले दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही आशा करते हैं कि प्रशासन ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखे और माता रानी के दर्शन सब लोगों को अच्छे से होते रहें। जय माता की। चंडीगढ़ से आई महिला श्रद्धालु ने बताया कि ज्वाला माँ के दर्शन के लिए परिवार सहित पहुंची हैं और प्रशासन का इंतजाम अच्छा है और मां के दर्शन खुले हुए हैं। चाहे प्रदेश सरकार विकास के कितने भी दावे करती थकती नहीं हो, लेकिन हिमाचल के हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत अघार के तहत पड़ने वाले गांव लुंडरी के बाशिंदों को आज भी नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। समस्या दशकों से बनी हुई है और कुनार खड्ड पर पुल की मांग को पूरा नहीं किए जाने से आज भी जान जोखिम में डालकर स्कूल के बच्चे और लोगों को दिनचर्या के काम निपटाने पड़ रहे हैं। हालांकि लुंडरी गांव के बाशिंदों ने कई बार नेताओं के साथ साथ प्रशासन को भी समस्या के बारे में अवगत करवाया है, लेकिन मात्र आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है जिस कारण ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि लुंडरी के पास उफंती खड्ड कुना को पार करके रोजाना स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं तो ताल के लिए जाने के लिए भी लोग खड्ड पार करके आवाजाही करते हैं। हालत ऐसी है कि स्कूली बच्चों को भेजने और लाने के लिए खड्ड के पास अभिभावकों को आना पड़ता है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में
एक अनोखी दोस्ती की मिसाल रविवार को देखने को मिली। रविवार को मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर दर्शन किए, जब पंजाब से गुरसरिया से आए दोस्तों ने अपने अपंग दोस्त को उठाकर चिंतपूर्णी व ज्वाला माँ के दर्शन करवाए। ज्वालामुखी बस स्टैंड पर अपने दोस्त को उठाकर मंदिर लेकर आए और लाइन में लगे हुए श्रद्धालु ऐसा अनूठा दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गुरसरिया से आए अपंग श्रद्धालु ने बताया कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं माता चिंतपूर्णी व ज्वाला माँ के दर्शन करूं, पर चलने व फिरने में असमर्थ होने के कारण वो इसमें असमर्थ था, पर उसके दोस्तों ने उसे उठाकर मंदिर लाए और दर्शन करवाए। ज्वाला माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और उसने अपने दोस्तों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं उन्होंने प्रशासन का भी अच्छे इंतजाम के लिए धन्यवाद किया। अपंग श्रद्धालु के दोस्त ने बताया कि हमारा दोस्त चलने फिरने में असमर्थ है, इसकी इच्छा थी कि वे माँ के दर्शन करें, इसलिए दोस्तों ने चिंतपूर्णी ज्वाला जी व कांगड़ा के दर्शन करने आए हैं। सुबह चिंतपूर्णी माता के दर्शन करवाने के बाद ज्वाला जी मंदिर आए हैं और इसके बाद कांगड़ा माता के दर्शन करने जाएंगे।